गजा में इसराइल के हमले जारी, एक बार फिर से अल-कुदस अस्पताल के आसपास के इलाकों में इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गिराए बम। हमास के इलाकों में लगातार बमबारी, कई ठिकाने तबाह, एक के बाद एक धमाकों में बड़ी तबाही, 30 की मौत का दावा। गजा में हमलों को लेकर फिलिस्तीन के आरोपों के बाद इसराइल की सफाई कार जिन इमारतों को आतंकी बना रहे ढाल, उन इमारतों को किया गया टारगेट। इसराइल के राष्ट्रपति का बड़ा आरोप, बोले कि हमास आतंकियों को केमिकल हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। भीषण युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तर में आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड में मुलाकात की, सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कल फिर से नेतन्याहू से बातचीत की, ट्वीट करके कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को पहुंचेंगे इसराइल, नेतन्याहू से मुलाकात संभव। फिलिस्तीनी हमास नेता ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर की बात, इसराइल के हमले को रोकने को लेकर चर्चा की गई। हमास के खिलाफ इसराइली हमले को लेकर ईरान ने धमकी दी, कहा कि गजा में नरसंहार जारी रहा तो चीजें नियंत्रण से हो जाएंगे बाहर। यरूशलम में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों की सरकार से गुहार, हमास से जल्द ही छुड़ाने की मांग की गई। गजा में राहत का काम तेज, इजिप्ट के रफा बॉर्डर से मदद सामग्री लेकर ट्रक गजा में दाखिल हुए। बर्लिन में पोस्ट डैम स्क्वायर पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, कराची के सड़कों पर उतरे हजारों की भीड़, इसराइल का झंडा फूंका गया। कराची में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका का भी विरोध किया, साथ ही मुस्लिम देशों से इसराइल से संबंध तोड़ने की अपील की। लंदन के ट्रफलगर स्क्वायर में लगभग 20,000 लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, हमास के कब्जे से 200 ज्यादा बंदूकों को रिहा करने के लिए। अमेरिका के बोस्टन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फ्री फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। डेनमार्क के कोपेनहेगन में भी फिलिस्तीन समर्थकों की नाराबाजी, गजा में इसराइली एक्शन का विरोध किया गया। इसराइल में फंसे कुछ और लोग भारत वापस लौटे, ऑपरेशन अजय के तहत छठी फ्लाइट से सभी लोगों की वापसी। भारत ने गजा को वायुसेना के विमान IAF C-17 से भेजी सहायता, मिस्र के अल आरिस हवाई अड्डे पर उतरी राहत सामग्री में 6 टन से ज्यादा दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट शामिल, 32 टन और इससे ज्यादा राहत सामग्री। भारत द्वारा गजा को भेजी गई राहत सहायता पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सराहा, कहा कि यह अच्छी बात है और इसे पहले ही किया जाना चाहिए था। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में रेड के कई इलाकों में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 670 फिलिस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने लेबनान कार्यवाहक पीएम से बातचीत की, कहा कि इसराइल हमास जंग में शामिल होने से लेबनान के लोगों पर भी खतरा मंडरा सकता है। गजा में 7 अस्पतालों और 25 हेल्थ केयर सेंटर में तेल का संकट, कमी के कारण नहीं हो पा रहा लोगों का इलाज। गजा के अस्पतालों में 150 से ज्यादा फीसदी ज्यादा बेड ऑक्यूपेंसी है, घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर भी टेंट्स लगाए गए। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची के बाद प्रदर्शन टिकट नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने भोपाल में गुस्सा जाहिर किया। वर्तमान कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, कमलनाथ के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी कुछ नेताओं का प्रदर्शन, श्री शासन करके टिकट नहीं मिलने का विरोध जताया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के सामने असंतुष्ट बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, नाराजगी की जाहिर। बीजेपी की 5वीं सूची में ग्वालियर सीट से टिकट नहीं मिलने पर मुन्ना गोयल के समर्थक सिंधिया की गाड़ी के आगे लेट गए, समझाने के बाद शांत हुआ। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की दूसरी सूची, प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा को मैदान में फिर से उतारा, दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम। जयपुर में आगामी चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा, लोगों को क्या संबोधित। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत के वोटर हैं वही मोदी को अपना हीरो मानता है। जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 18 महिलाओं को दिया टिकट, अपनी सूची में कांग्रेस ने 32 ओबीसी 30 आदिवासियों का रखा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि हम सिर्फ वादे नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने मोहब्बत की नहीं झूठ की खोली है दुकान।
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने फिर से पलटवार, कहा बेचारे सीएम शिवराज सिंह चौहान कहीं के नहीं रहे, 20,000 से ज्यादा घोषणाएं की, मिला क्या, एमपी की जनता गवाह। सिवनी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की जनसभा, कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूं, आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। कांग्रेस के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा कि जिन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया वो आज पिछड़े वर्गों के कर रहे हैं। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रांची पहुंचे, एयरपोर्ट पर टीम का किया गया भव्य स्वागत। सीहोर में टिकट कटने से नाराज आष्टा विधायक, अचल का दर्द कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंखों में आंसू आए। बीजेपी ने तेलंगाना में जारी की चुनावी सूची, पंडित संजय कुमार समेत 3 सांसदों को टिकट। निलंबन हटते बीजेपी ने मैदान में टी राजा सिंह को भी उतारा, अब तेलंगाना में बीजेपी के कुल 52 उम्मीदवारों को चुनाव में मैदान उतारा गया। अपने विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, 2024 में बीजेपी को हराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति। आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है, देश तभी तरक्की करेगा। जयपुर में बीजेपी नेताओं पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। संसद में सवाल के मसले पर टीएमसी ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से सफाई मांगी है, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। राजस्थान में राजसमंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन, टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी दफ्तर में हंगामा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में एक फैक्ट्री में 250 करोड़ से ज्यादा की अवैध जो है यहां पर ड्रग्स जब्त की गई है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। ऋषिकेश में 30 रफ्तार बेकाबू कार सड़क पार कर रहे युवक को कार ने उड़ाया, युवक की गई जान, पुलिस ने जब्त की कार। भीलवाड़ा में सेना के रिटायर्ड कर्नल बताकर युवकों को सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। करौली में ऑपरेशन के दौरान महिला की हुई मौत, महिला की मौत के बाद परिजनों का अस्पताल के बाहर हंगामा। गाजियाबाद के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत, जांच कर रही है पुलिस। गोरखपुर में अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक माफिया और गैंगस्टर्स की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। कानपुर में नेशनल हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग जिप्सी और बाइक में टक्कर, बाइक सवार समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी। बुलंदशहर में पैसों को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, विवाद के दौरान लोगों ने जमकर की पत्थरबाजी। संभल थाने में घुसकर युवक की तेज धार हथियार से थाना प्रभारी पर हमला किया गया, हमले में गंभीर रूप से थाना प्रभारी जख्मी। बारामूला के उरी सेक्टर में सीमा पार की से घुसपैठ की साजिश नाकाम, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, अन्य आतंकियों की लाशों को लेकर वापस पाकिस्तान में भाग गया था। किश्तवाड़ में पुलिस बलों का कैनल मार्च, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। उच्च में जबरदस्त बर्फबारी, पीर पांचाल पीर की गली मुगल रोड समेत कई इलाके सफेद चादर में लिपटे। दिल्ली में हवा तेजी से हो रही खराब, बढ़ने लगा है प्रदूषण, 306 पहुंचा AQI। करनाल में पराली जलाने का मामला आया सामने, प्रदूषण के चलते हालात बिगड़ने की आशंका है। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, मंदिरों पांडालों में मां सिद्धिदात्री की आराधना में उमड़ी हुई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह दर्शनों के उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, अलग अलग पांडालों में जाकर आशीर्वाद लिया। पटना सिटी के मंदिर और पांडालों में पहुंचे सांसद रविशंकर प्रसाद, अमन चयन के लिए पूजा की। रामपुर में महामाया मंदिर में 280,000 ज्योति कलश जलाए गए, श्रद्धालुओं ने आराधना की। पूर्वी वर्धमान में इको फ्रेंडली पंडाल की धूम, सुनाल बांग्ला की थीम पर बनाया गया ये पंडाल। कोलकाता में पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली ने सपरिवार दुर्गा पंडाल में दर्शन किए, माता का आशीर्वाद लिया। ठाणे में महाअष्टमी के मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने सपरिवार माता के दर्शन किए, सीएम ने किया। कोलकाता में गवर्नर सीबी आनंद बोस ने राजा बाजार दुर्गा पंडाल में माता के दर्शन के विधि विधान से की पूजा अर्चना। करौली में कैला देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, माता की भक्ति में भाव विभोर हुए भक्त। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन किया, महाअष्टमी के मौके पर माता का विधि विधान से पूजा। धर्मशाला वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार भारत की 5वीं जीत। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए और ऑल आउट हुई, भारत ने 12 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य के हासिल। मोहम्मद शमी बने प्लेयर ऑफ द मैच, न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को आउट किया था। खुलने के लिए विराट पारी 95 रन बनाकर टीम इंडिया की जीत की सुनिश्चित। कुल ने 95 रनों की पारी में जड़े 2 छक्के और 8 चौके, जडेजा के साथ 6 विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी।
कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी, 40 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौके जड़े, 39 रन बनाकर नाबाद रहे जडेजा, जीत के हीरो रहे श्रेयस अय्यर ने 33 रनों की पारी खेली। अंक तालिका में नंबर एक पर पहुंची भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर 5 मैचों में 10 अंक हासिल किए। धर्मशाला में जीतकर भारत ने रचा इतिहास, 20 सालों के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट न्यूजीलैंड को हराया, पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी, ट्वीट में लिखा टीम एफर्ट की वजह से भारत को मिली जीत। मुंबई मेट्रो में सफर करते नजर आए टाइगर श्रॉफ, मौके पर मौजूद मेट्रो कर्मचारियों के साथ खिंचवाई फोटो। गणपत का प्रमोशन करने नवरात्रि पंडाल पहुंचे टाइगर, टाइगर के साथ एक्टर जैकी भगनानी भी साथ नजर आए। डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी ने सेंसर बोर्ड पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि उनकी फिल्म मंडली के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने नहीं दिया सकती। फिल्म रामायण में रामायण के लिए यश रखी 150 करोड़ की डिमांड और फरवरी 2024 में शुरू होगी शूटिंग। मुंबई में जाने माने एक्टर दिलीप ताहिल को 2 महीनों की जेल, 5 साल पहले शराब के नशे में किया था भयानक एक्सीडेंट।